हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दत्त कुठालकर और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अक्कल दाढ़ या थर्ड मोलर या विजडम टूथ के बारे में। क्या होती है अक्कल दाढ़? क्या ये सबको आती है? आती है तो क्या ये सबको दर्द देती है? क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस और क्या है उनके ट्रीटमेंट? आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, थर्ड मोलर या अक्कल दाढ़ हमारे मुंह में सबसे आखिरी में उगने वाली दाढ़ होती है। हमें हमारी पहली दाढ़ 6 साल की उम्र में मिलती है, दूसरी दाढ़ 12 साल की उम्र में मिलती है और तीसरी दाढ़ यानी कि थर्ड मोलर 17 से 21 साल की उम्र के बीच में आती है। दोस्तों, तीसरी है इसीलिए इसे थर्ड मोलर बोलते हैं। और दोस्तों, 17 से 21 साल वो उम्र होती है जब समझा जाता है कि हमें समझ या फिर अक्कल आती है, इसीलिए इसे पॉपुलरली अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है। आमतौर पर एक व्यक्ति में 4 अक्कल दाढ़ होती हैं, लेकिन किसी किसी में 3 भी हो सकती हैं या 2 भी हो सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी व्यक्ति में सिर्फ एक ही अक्कल दाढ़ उगे। तो फिर ऐसा हम क्यों सुनते हैं कि अक्कल दाढ़ उगते वक्त बहुत दर्द होता है और बहुत तकलीफ होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्कल दाढ़ अक्सर मुँह में आड़ी तिरछी उगती है, या कभी कभार तो ये सिर्फ आधी उगती है और आधी मसूड़े और हड्डियों के बीच में जकड़ी रहती है। कभी कभी तो ये पूरी तरह से मसूड़े और हड्डी में अटक जाती है, जिसे इम्पैक्टेड थर्ड मोलर बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक ये अक्कल दाढ़ आती है तब तक बाकी की दाढ़ें आ चुकी होती हैं और आपके जबड़े में अक्कल दाढ़ के लिए स्पेस बहुत कम होती है या फिर पूरी तरह से स्पेस खत्म हो चुकी होती है। और फिर जब ये दाढ़ उगने के लिए प्रेशर लगाती है तो हमें पेन होता है। दोस्तों, अगर ये अक्कल दाढ़ आपके मुँह में अपनी सही जगह पर अच्छे से आ जाए तो ये आपके लिए उपयोगी होती है, लेकिन अगर ये इंफेक्टेड हो तो ये आपके मुंह में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। तो आइए देखते हैं अक्कल दाढ़ के कॉम्प्लिकेशंस। पहला है पेरिकोरोनाइटिस। पेरिकोरोनाइटिस या फिर मसूड़े में सूजन। दोस्तों, जब अक्कल दाढ़ पूरी तरह से नहीं उग पाती है या फिर हड्डियों में अटकने की वजह से ये बहुत धीरे धीरे उगती है तो ये आसपास के मसूड़ों में सूजन, दर्द और पस का कारण बनती है। दोस्तों, जब अक्यूट पेरिकोरोनाइटिस होता है तो आपके दाढ़ और उसके आसपास की जगहों पर बहुत तेज़ दर्द होता है। ये दर्द अक्सर आपके जबड़े और कान के या फिर सर के एरिया तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा मसूड़े में सूजन, जबड़े में जकड़न, पानी तक निगलने में दर्द और चेहरे पर भी सूजन आ सकती है। क्रॉनिक पेरिकोरोनाइटिस में हल्का दर्द होता है जो आता जाता रहता है, लेकिन इसकी वजह से मुँह में ख़राब स्वाद बना रहता है। जबड़े में सिस्ट बन जाना। दोस्तों, इम्पैक्टेड थर्ड मोलर्स कभी कभार जबड़ों में सिस्ट यानी कि तरल पदार्थ से भरी हुई झिल्ली बना देते हैं जो जबड़े में बढ़ने लगती है और जबड़े की हड्डी को गलाने लगती है। सिस्ट की वजह से जबड़े में दर्द और सूजन होने पर थर्ड मोलर को सिस्टिक लाइनिंग के साथ निकालना पड़ता है। गाल का कटना। दोस्तों, अक्कल दाढ़ अगर सही जगह पर ना उगे तो कई बार चबाते वक्त अक्कल दाढ़ की वजह से गाल की चमड़ी कटने लगती है। इसकी वजह से गाल में घाव और छाला बन जाता है। यदि इसका इलाज ना किया जाए तो मुंह के घाव के कैंसर में बदलने की संभावना भी होती है। सेकेंड मोलर या पास की दाढ़ का ख़राब होना। दोस्तों, कई बार अक्कल दाढ़ की पोजीशन ऐसी होती है कि वो आगे वाली अच्छी दाढ़ को भी ख़राब कर देती है। दो दांतों के बीच में खाना फंसने पर सड़न हो जाती है और सही तरीके से ना उगी हुई अक्कल दाढ़ आपकी पास वाली अच्छी और खाना चबाने वाली दाढ़ को भी ख़राब कर देती है। कई बार अपने एंगुलेशन की वजह से थर्ड मोलर अपने पास वाले दाढ़ की हड्डी का नुकसान भी कर देती है। स्पेस इन्फेक्शन। दोस्तों, अक्कल दाढ़ के सड़ने से या पेरिकोरोनाइटिस होने से कभी कभार इसका इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि ये गाल के और मांसपेशियों के स्पेसेस में फैल जाता है। इसकी वजह से मरीज के चेहरे पर और कभी कभार आँखों के नीचे तक भी सूजन आ जाती है। इसे हम स्पेस इन्फेक्शन बोलते हैं। ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। कई बार तो पस की वजह से दर्द के साथ साथ बुखार भी आ जाता है। ऐसा होने पर चीरा लगा करके पस निकालना पड़ता है और अक्कल दाढ़ को भी निकालना पड़ता है। ब्रश करने में तकलीफ होना। दोस्तों, ये दाढ़ मुंह में इतना पीछे की तरफ होती है कि कई बार वहाँ पर हम अच्छे से ब्रश भी नहीं कर पाते हैं और अच्छे से ब्रश ना कर पाने की वजह से अक्कल दाढ़ के अंदर खाना फंसने लगता है और इवेंचुअली उसमें सड़न हो जाती है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। दोस्तों, अगर अक्कल दाढ़ सही तरीके से अपने निर्धारित जगह पर उगी है तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन यदि आपको बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण आए तो आपको ये दाढ़ निकलवानी पड़ती है। दोस्तों, अक्सर US में और कनाडा में वहाँ के डेंटिस्ट एक भी अगर अक्कल दाढ़ में परेशानी आती है तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें चारों अक्कल दाढ़ें निकलवा लेनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि प्रॉपर चेकअप के बाद जिस भी थर्ड मोलर में तकलीफ है सिर्फ उसे ही निकाला जाए, बाकियों को नहीं। दोस्तों, फंसी हुई या इम्पैक्टेड अक्कल दाढ़ को अक्सर मसूड़े में चीरा लगा करके और हड्डियों में जगह बना करके निकाला जाता है। ये एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसे हम डिसइम्पैक्शन बोलते हैं। इस सर्जरी के बारे में डिटेल्स हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आपके अक्कल दाढ़ में प्रॉब्लम है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाइए।
इंतज़ार मत करिए कि वो बाकी के दाड़ों को भी ख़राब कर दे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले किसी वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।